नज़र इतनी कमज़ोर है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगी, कैसे बच्चों को गाइड कर पाएगी और क्या सही रूप में शिक्षण हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आए, बच्चे उनकी क्लास से संतुष्ट ना हों? लेकिन जब हम उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के बाद जब मैंने क्लास को विजिट करा और मैंने देखा कि किस तरीके से बच्चों को वो इंटरेक्टिव मेथड से और अपने फिंगर्स का और अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यानी कि गेस्चर्स का, हैंड्स का के हेल्प से वो बच्चों को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली शामिल कर लेती हैं और उनका जो मेंटल मैथ्स को पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही एक्सेलेंट है। और धीरे धीरे हमें बच्चों से और पेरेंट्स से फीडबैक मिलने लगी कि हमें मैडम से ही पढ़ना है और किसी टीचर से नहीं, और स्पेशली मैथ्स में उनकी बहुत ही अच्छी कमांड है। इसके अलावा साइंस भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाती हैं, क्योंकि साइंस में भी वो, क्योंकि उनकी जीके और सराउंडिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो साइंस के भी किसी भी टॉपिक को वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐड करके क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत करती हैं, तो डेफिनेटली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और बच्चे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि हर बच्चे को नाम से बुलाना, हर बच्चे को एक स्माइल के साथ इंक्लूड करना और मौका देना कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और इससे हर बच्चे के अंदर बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे अपने टेक्स्ट बुक कंटेंट के अलावा सराउंडिंग का नॉलेज भी बहुत बहुत ज़रूरी है अगर जीवन के अंदर हमें आगे करना है। साथ ही साथ इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहता है तो इसलिए बच्चों के अंदर भी में भी वो चीज़ एक ऑनेस्टी, एक इंटीग्रिटी की भावना, ईमानदारी से अपने कार्य को करने की भावना, ये सब जो वैल्यूज हैं जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उनके उसका भी विकास हुआ। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको इस उपलब्धि के लिए अपने विद्यालय के सभी शिक्षक गणों की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि KVC में इतना अच्छा करा। और उन्होंने जो आगे कहा है कि मेरा प्रयास है कर पाऊँ, ये विद्यालय के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के एक प्रोजेक्ट पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को हमने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में भेजा भी है KV No. 1 आगरा से कि मैडम एक दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाह रही हैं, जहाँ पर जितने भी दिव्यांग बच्चे पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं उनको एक ID के द्वारा जोड़ा जाए और उसमें फिर अलग अलग विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए हम किस तरीके से मोबाइल के अंदर टॉक बैक सिस्टम होता है उसके थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी कंटेंट अगर व्हाट्सएप पर भी एक क्लास से दूसरे क्लास में कैसे ट्रांजिट करेगा, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए हमारे पास समय भी बहुत कम होता है। प्राइमरी के बच्चे तो इंडिसिप्लिन की समस्या भी हो सकती है यदि क्लास खाली रहे, बच्चे को यदि डायरेक्ट देख नहीं पा रहे हैं तो उससे किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगे, ये भी एक समस्या हो जाती है। लेकिन मैडम ने अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए और जेस्चर्स के जरिए बहुत ही अच्छे से बच्चों से डील किया, बच्चों के साथ हर क्लासरूम में उनकी कनेक्टिविटी थी, बच्चों के नाम उन्हें पर्सनली याद थे, हर बच्चों से जब जाती थी पहली बार ही क्लासरूम में इंट्रोडक्शन ली थी और इंट्रोडक्शन के दौरान एक बार इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों के नाम याद रहते थे, हर बच्चे की जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है वो उनको बताती, इसलिए बच्चों से वो डायरेक्टली कनेक्टेड बहुत अच्छे से थी। अपनी वॉइस के जरिए जो कमांड वो देती थी बच्चे उनसे दिल से जुड़े हुए थे, एक क्लास से दूसरी क्लास बच्चे छोड़ने जाते थे, हमेशा उनके साथ 4-6 बच्चे हमेशा। बुक करेक्शन में हमारे लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी कि दृष्टिहीनता की वजह से हिमानी जी किस प्रकार से नोटबुक का करेक्शन करेगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि एक कोर ग्रुप तैयार किया गया स्टूडेंट्स का, जो कि क्लास 5 के मॉनिटर्स हुआ करते थे, वो लोअर क्लास के नोटबुक के करेक्शन में मैडम वॉइस कमांड देकर उनको नोटबुक्स करेक्ट कराती थी। आफ्टर दैट उसके बाद एक टीचर्स का हमारा टीम था जिसमें रोटेशन वाइज ड्यूटी लगती थी और वो टीचर्स का टीम उन नोटबुक्स को एक बार पुनः देखता था, उसके देखने के बाद उनकी सैम्पलिंग होती थी, सैम्पलिंग में वापस से चेक होती थी, तो ये प्रॉब्लम जो है नोटबुक करेक्शन की वो इस प्रकार से खत्म होती थी। मतलब ज़्यादातर वो अपने लंच में पास्ता और आपका क्या कहें आपका पोहे वगैरह ये लेके आती थी, मैं उनसे कहता था कि थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल भी लीजिए, तो उन्होंने ये आदत भी धीरे धीरे अपनाई। और उसके अलावा उनका एक वाक्या था, वो जो मोबाइल यूज करती हैं उसमें जैसे कि हम और आप लोग यूज करते हैं नॉर्मल, उनका मोबाइल है नहीं,
वो टॉकबैक के जरिए मोबाइल यूज करती है, तो जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें आती थी रीड वगैरह करने में, तो हम सब लोग आपस में मिलकर वो शेयर करते थे। जो हमारी क्लास में कभी कभार बच्चे जैसे ही उनको बच्चों को पता लगे कि आज हिमानी मैम की क्लास उनकी मतलब होने वाली है, तो बच्चे अपने आप इतना एक्साइटमेंट उनके अंदर की हिमानी मैम हिमानी मैम हिमानी मैम, और उनका मेंटल मैथ तो सर आपने देखा ही होगा वो 13579 या 24678 जिस तरीके से वो मतलब एडिशन और सब्जेक्ट जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाती हैं, तो सर वो तो अमेजिंग। एक्चुअली सर उनका जो व्यक्तित्व है, मैं अगर एक बात कहूँ, मैं उनको मेरा और हिमानी मैम का इंटरव्यू साथ साथ ही हुआ था, हम दोनों का इंडक्शन ट्रेनिंग भी साथ साथ था और हम दोनों का ट्रांसफ़र भी यहाँ साथ में ही हुआ, उनका थोड़ा पहले था मेरा बाद में था, तो मैं उनको बहुत काफ़ी समय से जानता हूँ, तो मैंने उन्हें जितना भी जाना है और उसके रिगार्डिंग मैं कुछ दो लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगा। ऐसा हुनर ऐसी सादगी ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे जिंदगी में पर हिमानी मैम जैसी शख्सियत नहीं देखी। Congress ma'am, congress on your new success. May the circle of your success keep rolling on and may the great life ahead. Congrats and all the best. A great greeting to you ma'am from Anand Kashmir. You are not a good teacher, also you are a good personality. I wish you will achieve many goals in your life and make our school proud. All the best ma'am for your efforts. I wish Good morning, Himani ma'am. I'm Vismay from 4B. All the best, ma'am. Be the winner. Jai Hind, ma'am. Good morning, ma'am. Wish you all the best. Best of luck Himani ma'am, aap hi jeetengi Himani ma'am. The best Himani ma'am, aap hi jeetengi, all the best Himani ma'am. Good morning Himani ma'am, I am Alfiya Basti, I study in class 4th B. You will win Himani ma'am, all the best. Best of luck ma'am. All the best Himani ma'am. आप ही जीतोगी एंड गुड लक।